Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा भले न कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि उसके ऐसे मंसूबे ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को न तो कोई एनडीए को तवज्जो दे रहा है और ना ही महागठबंधन। एलजेपी की कमान संभाले इवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए हुए हैं। बिहार में एलजेपी हर तरह से दाव आजमा चुकी है, अकेले भी लड़कर व गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनाव में एलजेपी के आंकड़े ऐसे नहीं रहे हैं जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान जरूर वहां कुछ फायदे में रही, जिसमें 178 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर 29 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के सर्वाधिक 12.62% वोट भी उसी चुनाव से ही मिले हैं। हालांकि वह जीत काम नहीं आई, सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए तो एलजेपी फिर अकेले 203 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन जीत पाई सिर्फ 10, यानी कि कुछ महीने पहले जीती गई 19 सीटें वह हार गई। वोट फीसद भी गिरकर 11.10 पर अटका। उस समय रामविलास पासवान ने अफसोस किया था कि अगर वह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। पुरानी गलती दुरुस्त करते हुए 2010 में वे आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, लेकिन 3 ही सीटें जीत पाए। 2015 में हुए पिछले चुनाव में एलजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 4.83% वोट पाकर महज 2 सीटें ही जीत सकी। पासवान 2005 के बाद लगातार पाला बदलते रहे हैं और सीटें गंवाते रहे हैं। 15 वर्षों में 29 का आंकड़ा अब 2 पर टिका है। इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुकर होते आ रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश कुमार का विरोध करने से नहीं चूक रही है। वे नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के पक्ष में नहीं है। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात भी हुई है। सीधे तौर पर तो नहीं पता, लेकिन पार्टी में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात भी चर्चा में आई है, जबकि सहयोगी बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा बार बार कर रही है। एलजेपी के इस्तेवर का कार्ड के लिए जातिगत संतुलन को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं जीता राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है। अब चिराग के हर बयान का तलख जवाब देने के लिए नीतीश के पास मांझी है। वोट संतुलन के लिहाज से भी मांझी जेडीयू के लिए ज़्यादा मुफीद हैं। चिराग के नीतीश के खिलाफ बयानबाजी को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी के वरीय नेताओं का अपमान करार दिया है। एलजेपी के बिना भी चुनाव में जाने के संकेत देते हुए उन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक के विधानसभा चुनाव का हवाला दिया है। स्पष्ट किया कि इन चुनाव में एलजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं था। ऐसे में चिराग की स्थिति एनडीए में बहुत सहज नहीं मानी जा रही है। उधर महागठबंधन में भी एलजेपी का प्रवेश आसान नहीं होगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.